पाकिस्तान की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, चूंकि लगातार नापाक हरकत और सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर हुआ है। पुंछ में हुई है इस बार गोलीबारी, ये बड़ी खबर आ रही है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी की है। पाकिस्तानी गोलीबारी का लगातार जवाब हालांकि दिया जा रहा है भारतीय जवानों की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि जब से बालाकोट पर जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, उसके बाद से 60 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है। एक तरफ वो शांति की बात कर रहा है, लेकिन देखिए शांति का पैगाम वो किस तरह से भेजने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का ये एक चेहरा है। राजू किरणी का रुख कर लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ। राजू, क्या हालात है अभी वहां? देखिए पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आमतौर पर जो है रात को, दिन को, किसी समय भी जो है गोलाबारी कर देता है। और आज सुबह जब लोग अपने खेतों में जाने के लिए, अपने रूटीन के कामकाज के लिए निकल ही रहे थे, तो पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी सेक्टर में जो है रिहायशी ठिकानों को निशाना बना के गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे लोग जो है घरों में ही दुबक के रह गए। और अभी भी जो है गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से जारी है। बीते कल की बात करें तो कल पाकिस्तान ने सुंदरवनी और अखनूर सेक्टर में जो है वहां पे फायरिंग की थी, और आज जो है यहाँ पे फायरिंग कर रही है। तो अगर जिस दिन से बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ है तब से लेके अब तक पाकिस्तान अखनूर से लेके उड़ी तक जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार जो है फायरिंग कर रहा है, और हर बार जो है जगह बदल देता है। बेशक लाइन ऑफ कंट्रोल को हमेशा से उसने एक्टिव रखा है। ये पाकिस्तान का दोगलापन ही है कि जो पाकिस्तान एक तरफ से शांति वार्ता की बात करता है, एक तरफ से अपने आप। ठीक है राजू, आप वहां पर नजर रखिएगा, हम आपसे वहां के हालात कैसे हैं और कब कब हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर, कैसे हम उनकी हर एक नापाक साजिश का जवाब दे रहे हैं।